तो आप देख रहे हैं, हम खड़े हुए हैं क्लास 10th के बच्चों के साथ जिनका लास्ट पेपर था, बोर्ड एग्जाम ओवर। बहुत खुश है सारे बच्चे। बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था। अभी हम इनसे बात करते हैं और आपको बताते हैं खुश है। हेलो स्टूडेंट, तो अभी कैसे आप सभी? बहुत अच्छे, बहुत खुश नजर आ रहे हैं। आपके बोर्ड एग्जाम्स ओवर और ये रेडी है सभी बच्चे पेरेंट्स के साथ जाने के लिए। ये देखिए पेरेंट्स भी आ चुके हैं, तो कह सकते हैं कि हॉस्टल लाइफ का लास्ट डे है आज इनका। कुछ बच्चे जो है 11th में एडमिशन लेके इसी स्कूल में कंटिन्यू करेंगे और हो सकता है कि कुछ बच्चे यहीं से हमें बाय बाय बोलेंगे। तो हम विश करते हैं, प्रे करते हैं आपके ब्राइट फ्यूचर के लिए। आप जहां भी रहें खुश रहें। कैसा रहा आपका जीएनवी का एक्सपीरियंस? किस क्लास में एडमिशन लिया था आपने? क्लास 6। ओके, कुछ बच्चों ने क्लास 6 में एडमिशन लिया था तो कुछ ने क्लास 9th में। तो अच्छा रहा इन सबका एक्सपीरियंस? और पेपर कैसा हुआ? बहुत अच्छा था। तो ये देखिए बच्चे जो है पेरेंट्स के साथ जाने के लिए तैयार भी हैं। पेरेंट्स आ चुके हैं और अभी ये जाने वाले हैं। हाँ, प्रिंसिपल सर इज द बेस्ट, हिज गाइडेंस इज द बेस्ट, है ना। प्रिंसिपल सर का गाइडेंस हम सभी के लिए, टीचर्स के लिए, बच्चों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। और ये देखिए हॉस्टल के सामने बच्चे खड़े हैं, काफी खुश है। ओके बच्चों, जहाँ भी रहो खुश रहो एंड बी इन टच, आते रहना। मगरमच्छ के आंसू बहाती हुई लड़कियां, ये टोटली मगरमच्छ के आंसू हैं, यानी कि खुश जाने से खुश है और शो ऐसे करीने से कितनी दुखी हैं। तो ये देखिए ये सब जा रहे हैं बच्चे जाने की खुशी, यानी कि बैग कितना जल्दी जो है पहुंच जाए घर। सबको अच्छा लगता है अपने घर जाना। हमारे भी वेकेशंस जब होते हैं, हम टीचर्स के भी, तो अच्छा लगता है कि कितना जल्दी घर पहुंचे। तो ये देखिए पेरेंट्स आ चुके हैं और बच्चे जो है वो जा रहे हैं। हाँ हेलो सर, कैसे हैं आप सभी? बच्चों को लेने आए हैं, है ना। किस क्लास में बेटा बच्चे? 10th में है। अच्छा, 10th में आपकी बच्चियां, है ना। तो अच्छा लग रहा होगा कि बोर्ड एग्जाम फिनिश हो गए हैं, थोड़ा बर्डन कम हो गया है। बच्चों काफी फोर्स होते हैं, मतलब बच्चों पे थोड़ा सा जो है रहता है दिमाग में, है ना, कि बोर्ड एग्जाम है, बोर्ड एग्जाम है, कैसा होगा। तो आज से जो वो टेंशन है वो खत्म हो गया है। अब अभी बच्चे घर जा रहे हैं, अच्छा लग रहा होगा आपको भी। चलिए ठीक है, आते रहिए आप लोग जेएनवी में, है ना, विजिट करते रहिए। हेलो सर, कैसे हैं आप? किस क्लास में बच्ची? 10th में है। हाँ, आज तो लास्ट पेपर था और सब बच्चे बहुत खुश है कि घर जाने को मिल रहा है। ठीक है, आते रहिए आप लोग, है ना, जेएनवी में। ओके, ये देखिए पेरेंट्स भी खुश और बच्चे भी खुश। तो ये है हमारी हॉस्टल की दुनिया, ये है हमारी जेएनवी की दुनिया। जा रहे हो, बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक बच्चों, बेस्ट ऑफ लक, ऑलवेज बी हैप्पी। और ये देखिए गाइज, आपको दिखा रहे हैं बिहार माइग्रेशन के बच्चों से मिला रहे हैं। तो मैम आप कहाँ से आई हैं? खगड़िया, यानी बिहार से आई हैं। किसकी मम्मा हैं आप? अभी नए। ओके, जो हमारे यहाँ जो 4 गर्ल्स हैं और 7 बॉयज हैं, है ना, ये माइग्रेशन वाले। तो अभिनय की मम्मा का आना कैसे हुआ आज यहाँ पे? हाँ, आप बच्चे से मिलने आई हैं क्या? ओके, तो बहुत अच्छा लग रहा है आपको देख के यहाँ पे, आपसे मिल के। हाँ, मैं आपको पता होगा मैं यहाँ पे स्पोर्ट्स टीचर हूँ। अभी अभिनय से आप बात करेंगी तो पता चलेगा, है ना। तो अच्छे से रहिए, एंजॉय कीजिए हमारे कैंपस में। हाँ जी बिल्कुल, हम लोग करते हैं, आप पूछिएगा, है ना। क्यों, कैसा है बच्चों? आप बोलिए, आप सभी माइग्रेशन के बच्चे, आपका एक्सपीरियंस कैसा है जीएनवी रोइंग में, बताइए। अच्छा है, सभी टीचर्स कोऑपरेटिव है ना, सभी टीचर्स हेल्पिंग है बच्चों के लिए, सपोर्टिंग है, यानी कि बिल्कुल आएंगे हम घूमने, है ना, जरूर आएंगे घूमने। तो ये हमारे जो बच्चे हैं, आपको मालूम है कि टीचर्स कितने केयरिंग हैं हर किसी के लिए, चाहे वो माइग्रेशन के बच्चे हों या हमारे खुद के रोइंग या अरुणाचल के बच्चे हैं, सबके लिए टीचर्स बहुत ज़्यादा केयरिंग है। आपको टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। तो बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, थैंक यू।